Hello everyone. Welcome back to our channel, Adaptive Learning. I, Salim Sheikh. Welcome you all. So today uh, we'll be learning about effects of electric current. Current electricity. This chapter we have already done in standard 9th Effects of electric current. These uh, in this chapter we'll be doing in three parts. The first part is exactly what we have done in ninth standard. That is energy transfer in electric circuit. The second part is about heating effect of current electricity. This we are going to study under the category of Joule's law. It's going to be a very important part. So heating effect of current electricity, and the third and the most important part of this chapter is the magnetic effect of current electricity. All right and this we are going to study under the category of hans oystered experiment so uh, the most important part of this chapter is going to be the third part that is the magnetic effect of current electricity and this is something uh, new for even you all so let us start uh, with the chapter and uh, we'll start with basic discussion the basic discussion uh, exactly the textbooks ओके इट क्वेश्चन की हाउ डू यू डिसाइड दैट अ गिवन मटेरियल इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और इज एन इंसुलेटर सो नाउ अगर मैंने आपको एक मटेरियल दे दिया तो आप कैसे डिसाइड कर पाओगे कि ये जो मटेरियल है वो इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है या वो इंसुलेटर है बराबर तो इस बात को थोड़ा और हम क्लियर करते हैं नाइन्थ में हमने एक टॉपिक पढ़ा था रेजिस्टेंस के ऊपर अगर याद है नाइन्थ में हमने रेजिस्टेंस के ऊपर पढ़ा था बराबर अब रेजिस्टेंस क्या है तो रेजिस्टेंस इज एनी थिंग डैट अपोजिस द फ्लो ऑफ करंट बराबर अगर इलेक्ट्रिकल सर्किट में करंट के फ्लो को कोई भी चीज़ अगर रेजिस्ट कर रहा है और रोक रहा है तो रेजिस्टेंस है ये हमने पढ़ा था इसी रेजिस्टेंस के बेस के ऊपर हम डिसाइड करते थे कि मटेरियल गुड कंडक्टर है या इंसुलेटर है अगर जो हमारा गिवन मटेरियल है उस मटेरियल का बराबर रेजिस्टेंस जो है अगर वो इनफाइनाइट है तो ये इंसुलेटर कैटेगरी में आ जाएगा और वही रेजिस्टेंस कम है नेग्लिजिबल है तो वो गुड कंडक्टर की कैटेगरी में आ जाएगा तो इफ़ द रेजिस्टेंस इज इनफाइनाइट इट इज़ नथिंग बट एन इंसुलेटर द मटीरियल इज़ नथिंग बट इट इज एन एन इंसुलेटर

प्रॉपर्टी ऑफ गुड कंडक्टर्स बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ये चार्ज कैरियर होते हैं ये चार्ज को कैरी कर सकते हैं तो ये कही कहीं ना कहीं गुड कंडक्टर में आ जाएगा उसकी कैटेगरी में आ जाएगा और जब मटीरियल के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे तो ये और कोई कैटेगरी नहीं होगा ये क्या होगा इंसुलेटर की कैटेगरी में इलेक्ट्रॉन्स होंगे लेकिन फ्री इलेक्ट्रॉन्स इनके पास नहीं होंगे तभी तो ये इनके जो चार्ज हैं कैरी नहीं हो सकते हैं सो so, वो आ जाएंगे इंसुलेटर कैटेगरी में तो इस तरह से हम इन चीज़ों को पढ़ सकते हैं डिपे बेस्ड ऑन आवर नाइन्थ स्टैंडर्ड आई दूसरा सवाल जो है एन आयन इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज इट बट वेन यू पिकअप एन आयन विच इज़ रेस्टिंग ऑन द ग्राउंड यू डोंट गेट अ शॉक तो आयन गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है लेकिन जैसे ही हमने एक रोड uh, पे पड़ा हुआ आयन उठाया हाथ में शॉक नहीं लगा करेक्ट तो इसका जो रीज़न है जो कारण है इलेक्ट्रॉन्स जो उस आयन पीस में होंगे बराबर अगर ये वो आयन का पीस है जो ग्राउंड पर है तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे ये भी हमने लाइन में पढ़ा था बराबर वो इलेक्ट्रॉन का मोशन कैसा होगा तो वो इलेक्ट्रॉन का जो मोशन होगा वो रैंडमली किसी भी डायरेक्शन में होंगे बराबर दे विल बी इन रैंडम एनी डायरेक्शन इन सच अ वे कि वो एक दूसरे के इफेक्ट्स को कैंसिल करते हैं तो एक आयन पीस बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं करेगा और हमें शॉक नहीं लगता है पर जैसे ही इस पीस ऑफ आयन को हम एक सोर्स ऑफ पी से कनेक्ट कर देते हैं वेन वी कनेक्ट दिस पीस ऑफ आयन एंड ऑफ दिस वायर एंड ऑफ दिस पीस टू अ सोर्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस बराबर पोटेंशियल डिफरेंस सोर्स कौन है सेल होता है बैटरी होता है जैसे ही उसको हम कनेक्ट कर देंगे करेक्ट इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो इलेक्ट्रॉन्स लगेंगे फ्लो होने फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ फ्लो होंगे मैंने कहा था ना याद रखो आप लोग अभी भी इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव चार्ज होते हैं तो इट विल फ्लो फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव तो इलेक्ट्रॉन्स लगेंगे फ्लो होने करेक्ट तो जब तक इलेक्ट्रॉन्स एक किसी भी पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ़्लो नहीं होंगे तब तक शॉक लगने की बात नहीं है जब तक ये सोर्स ऑफ पीडी को कनेक्टेड नहीं है यानी पोटेंशियल डिफरेंस का सोर्स नहीं लगाया तब तक क्या नहीं होने वाला है इलेक्ट्रॉन्स फ़्लो नहीं होने वाले हैं इसमें जो भी इलेक्ट्रॉन का मोशन है वो रैंडम किसी भी डायरेक्शन में है समझ तो में आ रहा है तो करंट इलेक्ट्रिसिटी जब इसमें नहीं आएगा तब तक हमको शॉक लगने वाला नहीं है और करंट इलेक्ट्रिसिटी को कौन लेके आएगा तो करंट इलेक्ट्रिसिटी को सोर्स ऑफ पी डी आएगा तो ऐसे आयन का पीस अगर नीचे पड़ा हुआ है तो उसे उठाने से कोई शॉक लगने वाला नहीं है ऑल राइट right. आगे बढ़ते हैं वी डिस्कसिंग द सेकेंड पॉइंट कुछ और चीज ऑब्जर्व करते हैं व्हाट डू यू ऑब्जर्व इन द फॉलोइंग पिक्चर व्हिच इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट डू यू फाइंड बराबर इस फॉलोइंग पिक्चर में आप क्या देखते हो और इलेक्ट्रिक करंट का कौन से इफेक्ट के बारे में आप बता सकते हो इन चीजों में तो जो पहला है ए करेक्ट इसमें वी कैन सी टू लैम्प वन टीवी इज देर ये सो नो सो इन द लैम्प वी कैन सी डेट इलेक्ट्रिसिटी का कौन सा इफेक्ट होगा लैम्प में इलेक्ट्रिसिटी का इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज गेटिंग कन्वर्टेड टू विच एनर्जी लाइट एनर्जी लैंप के अंदर लाइट एनर्जी और थोड़ा हीट एनर्जी राइट तो वी कैन सी इलेक्ट्रिसिटी का कन्वर्जन इंटू लाइट एनर्जी ये चीज हम देख सकते हैं दूसरा टेलीविजन में टेलीविजन में इलेक्ट्रिसिटी कौन से एनर्जी में कन्वर्ट होता रहेगा इलेक्ट्रिसिटी इज कैटिन कन्वर्टेड इंट लाइट एनर्जी लाइट आएगा और दूसरा साउंड आएगा साउंड एनर्जी ओके नेक्स्ट बी वाला पार्ट देखो फैन ये रोटेट कर रहा है फैन तो इज इंट एट डेट इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैटिन कन्वर्टेड टू मैकेनिकल एनर्जी मैकेनिकल तो रोटेट कर रहे हैं ठीक है थर्ड वाले में देखो बेल बेल रिंग करेगा तो कुछ साउंड आएगा तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज गेटिंग कन्वर्टेड टू साउंड एनर्जी ठीक है तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक के डिफरेंट डिफरेंट इफेक्ट है बराबर है तो हम लोग ये कह सकते हैं कि कुछ ना कुछ इसमें पार्ट हीटिंग इफेक्ट भी है जो पहला ए वाला है इसमें कुछ ना कुछ हीटिंग इफेक्ट का पार्ट है मशीन जब हीट हीट होगा जो लैम्प है उसके बल्ब जब हीट होंगे तो ये ग्लो करेगा तो कहीं ना कहीं हीटिंग इफेक्ट यहाँ पर रोल प्ले कर रहा है ये वाला जो सेकेंड वाला पार्ट है इसमें एनर्जी ट्रांसफर एनर्जी ट्रांसफ़र तो हर जगह आएगा वैसे लेकिन इसमें जो एनर्जी ट्रांसफ़र है वो रोल प्ले कर रहा है और जो थर्ड वाला पार्ट है इसमें थोड़ा बहुत हम मैग्नेटिक इफ़ेक्ट को भी कंसीडर कर सकते हैं बराबर इसमें भी इलेक्ट्रो मैग्नेट होते हैं तो यहाँ पर थोड़ा सा मैग्नेटिक इफेक्ट की भी बात कर सकते हैं थर्ड वाले में जो बेल वाले में है बराबर बाकी जो काम हो रहा है वो भाई इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंटर कर रहा है इन इलेक्ट्रिकल डिवाइस में और इसकी वर्किंग चालू हो रहा है तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज गेटिंग ट्रांसफर्ड इन टू दीज इलेक्ट्रिकल डिवाइस एंड दीज इलेक्ट्रिकल डिवाइस स्टार्ट्स वर्किंग इन डिफरेंट डिफरेंट वे जैसे उनके फंक्शंस होते हैं ऐसा राइट नाउ नाइन्थ में हमने क्या किया था नाइन्थ में हमने पढ़ा था कि पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू डब्लू अपॉन क्यू नाइन्थ में हमने पढ़ा था पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन क्यू बराबर जिसमें हमने डिफाइन किया था पोटेंशियल डिफरेंस को इट इज द वर्क डन इन सेंडिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल तो वर्क डन अपॉन चार्ज पोटेंशियल डिफरेंस इज वर्क डन अपॉन चार्ज यहाँ से मैं बिल्कुल ऐसा कह सकता हूँ तो यहाँ से W क्या हो जाएगा W हो जाएगा क्यू इंटू वी और ये बात मैं ये फर्स्ट पॉइंट से कह सकता हूँ सेकेंड पॉइंट जो है वो हम जानते हैं कि I इक्वल्स टू क्यू अपॉइट टी amount of current in a conductor बराबर इज गिवन बाय द चार्ज पासिंग थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर इन यूनिट टाइम पड़ा था ना करंट का डेफिनेशन हमने तो आई इक्वल्स टू क्यू बाई टी यहां से हम कह सकते हैं कि क्यू इज इक्वल टू आई टी ठीक है और थर्ड बात जो आपको याद रखना है वो है ओम्स लॉ और ओम्स लॉ क्या कहता था

Q equals to IT. आप V को कह सकते हो यहां से V equals to IR और इस तरह से I into I, I square R ये T हो गया बेटा ये एक सेकेंड Q equals to IT ना तो IT होगा ना ये चीज Q equals to IT तो ये Q के जगह IT आएगा ना IT करेक्ट जगह ये वाला आई आएगा तो ये क्यू की जगह आ गया आई ये वी की जगह आ गया अयर ठीक है यहां से वी की जगह आ गया अयर और ये हो जाएगा आई आर और क्या बच्चा टी तो ये जो वर्क डन है ये वर्क डन आई स्क्वायर आर टी हो गया अब कहने का मतलब ये है कि अगर कोई भी कंडक्टर है वो कंडक्टर में अगर वर्क होगा तो वर्क वो कौन से एनर्जी में स्टोर होगा वो होगा स्टोर्ड हीट एनर्जी में कंडक्टर के अंदर कोई भी वर्क होगा तो वो कौन से एनर्जी में कन्वर्ट होगा या कौन से एनर्जी में वो, वो उसमें स्टोर होगा वो होगा हीट एनर्जी के अंदर तो हम ये कह सकते हैं कि वर्क डन इज़ नथिंग बट द हीट एनर्जी जितना वर्क होगा उतना हीट प्रोड्यूस होगा करेक्ट तो ये हो गया एच इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी यही चीज़ है जूल्स लॉ जूल्स लॉ कहता है द अमाउंट ऑफ करंट द अमाउंट ऑफ हीट दैट इज प्रोड्यूस्ड इन अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द करंट द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर एंड द टाइम फॉर विच द करंट फ्लोज इन द कंडक्टर या थ्रू द कंडक्टर सो द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इन अ मेटेलिक कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्र ऑफ द करंट देख लो आप लोग स्क्वेयर ऑफ द करंट रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर रजिस्टेंट ऑफ द कंडक्टर का कितना रेजिस्टेंस है और थर्ड टाइम फॉर विच द करंट इज गन टू फ्लो तो जितना ज़्यादा टाइम के लिए करंट फ्लो होगा हीट उतना ज़्यादा प्रोड्यूस होगा कंडक्टर में यही था जूझ लो आगे समझ में अब इसी को टेक्स्ट बुक में थोड़ा उसने अलग तरीके से किया है बराबर वो उसे भी जाके हम देख लेते हैं So, यहाँ पर है टेक्स्ट बुक में ये सर्किट ले लिया यहाँ पर ये यह सर्किट है हमारा ठीक है ये वी ए बी दिख रहा है आपको ये ए बी दिख रहा है ना ए बी आर जो है रेजिस्टेंस को मार्क्ड है वी ए बी ये जो पार्ट दिख रहा है आपको ये है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए बी ए बी के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस उसको डिनोट कर रहा है ये आपका है एम प्लस माइनस के साथ ये आपका है सेल बैटरी uh, जो लगा हुआ है करंट क्या फ्लो रहा है आई इज द करंट विच इज फ्लोइंग थ्रू द सर्किट तो ये सर्किट दिया है बेसिकली तो इसमें है चार्ज क्यू फ्लोज फ्रॉम ए टू बी तो ए से लगा के बी तक कितना चार्ज फ्लो हो रहा है तो चार्ज हो रहा है फ्लो क्यू वर्क वी ए बी क्यू ये कैसे आ गया तो हमको पता है कि पोटेंशियल डिफरेंस वी इक्वल्स टू डब्लू अपॉन क्यू वर्क क्या हो जाएगा वर्क हो जाएगा v इन टू क्यू अभी वी ए बी कहाँ से आ गया ये वी ए बी कहाँ से आ गया तो दिस इज़ पोटेंशियल अक्रॉस ए बी सिर्फ ए बी के अक्रॉस पोटेंशियल की बात कर रहा है वो तो वर्क डन कितना हो गया तो बिल्कुल भी टेंशन uh, लेने वाली बात नहीं है वर्क कितना हो गया पोटेंशियल डिफरेंस इंटू चार्ज पोटेंशियल डिफरेंस इंटू चार्ज वी इंटू क्यू और वी ए बी कैसे लिया उसने तो वी ए बी वो दिया है ना वहाँ पर कि इसके अराउंड ए बी के बराबर ए बी के अराउंड जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है वो है वी ए बी कितना है वी ए बी ठीक है इतना हो गया चीज ओके सो इफ द चार्ज क्यू फ्लोज फ्रॉम ए टू बी वर्क वी ए बी इन टू क्यू हैज बीन डन ऑन क्यू वाइल गोइंग फ्रॉम ए टू बी तो ये जो करंट आ रहा है ये करंट को कौन ले आ रहा है चार्ज बराबर चार्ज करंट को लेके आएगा जितना टाइम के लो फ्लो होगा तो ये जब चार्ज ए टू बी आप भेजते हो तो कितना वर्क कर रहे हो तो आप कितना वर्क कर रहे हो वी ए बी क्यू वी ए बी इन क्यू इतना वर्क कर रहे हो आप चार्ज को ए से लेके बी तक भेजने के लिए कितने चार्ज को चार्ज क्यू को समझ में आ गया दूसरा फ्रॉम दीज फ्रॉम वेयर डज द एनर्जी कम्स टू डू दिस वर्क ये एनर्जी कहाँ से आया तो यह एनर्जी कौन देगा तो ये एनर्जी का सोर्स यहां पर है कौन ये आपका बैटरी है सो वेर डज द एनर्जी कम्स टू डू दिस वर्क द सोर्स ऑफ एनर्जी इज इज द सेल द सेल गिव्स दिस एनर्जी थ्रू चार्ज क्यू टू द रेजिस्टेंस वेयर वर्क डब्ल्यू ए क्यू इज परफॉर्म्ड और राइट तो ये जो सेल है कितना चार्ज दे रहा है हमको ये चार्ज क्यू दे रहा है और यहां पर कितना वर्क परफॉर्म हो रहा है तो वर्क परफॉर्म कितना हो रहा है वी ए बी इन टू क्यू वी ए बी इन टू क्यू इफ द चार्ज क्यू फ्लोज फ्रॉम ए टू बी इन टाइम टी देन दर्क परफॉर्म्ड इन टाइम टी देन ड्यूरिंग दैट टाइम द एनर्जी वी ए बी क्यू इज गिवन टू द रजिस्टर बराबर है तो अगर यही काम जो है वो टाइम टी के लिए हो रहा है तो ये जो वर्क हुआ है कितना वर्क हुआ है वी ए बी इंटू क्यू ये किसको दे देगा ये किसके पास चला जाएगा ये रेजिस्टर के पास चला जाएगा तो वाट हैपन्स टू दिस एनर्जी दिस एनर्जी इज रिसीव बाय द रजिस्टर एंड इज़ कन्वर्टेड इंटू हीट एनर्जी द टेम्परेचर ऑफ द रजिस्टर इज़ इंक्रीज ये एनर्जी क्या होता है तो ये एनर्जी कौन रिसीव करता है हमारा रजिस्टर रिसीव करता है उसको यूज़ करता है इसकी वजह से रजिस्टर क्या हो जाता है उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है तापमान उसका बढ़ जाता है ऑल राइट right. uh, एक uh, बस ऐसी क्वेश्चन यूज़ योर ब्रेन पावर इफ इन द सर्किट द रजिस्टर इज़ रिप्लेस बाय मोटर अगर ये जो जजिस्टर है ये वाला जो पार्ट दिख रहे हो अगर ये मोटर है और उस मोटर को आप अगर करंट दोगे आए उसके पास जाएगा वर्क अगर मोटर पर होगा तो मोटर का क्या होगा मोटर लगेगा घूमने तो डैट इलेक्ट्रिकल एनर्जी विल बी गेट कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी जैसे फ़ैन में केस था फैन फैन में एक मोटर ही है ना तो लगता है घूमने आई बासन में तो ट्रांसफॉर्म हो जाएगा मैकेनिकल एनर्जी में भाई तो यहां से अब पावर अगर याद है आपको तो पावर होता है वर्क अपॉन टाइम इफ यू रिमेंबर दिस ठीक है यहाँ पर जो पावर है वो इलेक्ट्रिकल पावर है तो यहाँ पर जो पावर होगा वो इलेक्ट्रिकल वर्क डेन अपॉन टाइम इलेक्ट्रिकल वर्क डेन अपॉन टाइम और इलेक्ट्रिकल वर्क जो होता है वो हम एनर्जी में मेजर करते हैं वैसे देखो बराबर कितना वर्क इंसान करेगा जितना एनर्जी होगा तो हम ही कहते हैं कि एनर्जी एंड वर्क एक एक सेम कंसेप्ट है उनको दोनों का यूनिट भी सेम है जूली है तो इंसान उतना ही काम करेगा जितना एनर्जी होगा समझ में आ रहे तो जितना ये सर्किट में जितना एनर्जी है उतना ही वर्क होने वाले हैं तो इसके लिए पावर इक्वल्स टू एनर्जी अपॉन टाइम भी हो तो घबराने की बात नहीं है पावर इज़ ऑल्सो इक्वल्स टू एनर्जी अपॉन टाइम तो इलेक्ट्रिकल पावर इक्वल्स टू एनर्जी अपॉन टाइम रिक्वायर्ड एनर्जी एनर्जी कितना जा रहा है बराबर एनर्जी कितना जा रहा तो है सेल कितना एनर्जी दे रहा है तो वी ए बी इंटू क्यू अपॉन टी टाइम रिक्वायर्ड टी है एनर्जी है वी ए बी क्यू अच्छा क्यू बाई टी क्या होता है आई इक्वल्स टू क्यू बाई टी याद है कि नहीं ये फार्मूला आई इक्वल्स टू क्यू बाई टी तो यहाँ से क्या हो गया वी ए बी इन आई ये हो गया आपका पावर तो पी इक्वल्स टू वी आई इन सिम्पल टर्म्स जहाँ पर वी कौन है वी है वोल्टेज और आई कौन है आई है करंट तो ये भी होता है पी इक्वल्स टू वी आई इसका भी फॉर्मूला है बराबर पावर का फॉर्मूला है पी इक्वल्स टू वी आई वोल्टेज इन टू करंट ऑल राइट बाद में यहां पर तो वो जो जूल्स लो है हमारा जो मैंने वहां पर ड्राइव किया है वही बात है तो यहां पर आपका आ गया है? ये जूल्स लो ठीक है uh, कुछ बातें यहां पर है यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर तो पी क्या होता है वी इन टू आई ये जो वी ए बी दिया है ना वो घबराने की बात नहीं है उसे हटा दो ए बी क्यों दिया है क्योंकि वो सर्किट में वो ए और बी के अक्रॉस की बात कर रहे हैं बस हम इन जनरल बात कर रहे हैं तो पावर क्या होता है वी इन टू आई जहां पर वी कौन है वोल्टेज यानी पोटेंशियल डिफरेंस आई कौन है करंट ठीक है यहां पर ये पोटेंशियल डिफरेंस होता है पोटेंशियल डिफरेंस मतलब वर्क अपॉन चार्ज और ये होता है चार्ज अपॉन टाइम करंट क्या होता है चार्ज अपॉन टाइम यहाँ से ये चार्ज चार्ज कैंसिल क्या हो गया वर्क अपॉन टाइम बराबर वर्क का यूनिट क्या होता है वर्क का यूनिट जूल होता है टाइम का यूनिट क्या होता है सेकेंड होता है तो जूल पर सेकेंड जूल पर सेकेंड को हम क्या बोलते हैं वॉट क्या बोलते हैं वॉट डिनोट किसे करते हैं कैपिटल डब्ल्यू से तो ये बात भी आप याद रखें ये था यूनिट फॉर इलेक्ट्रिकल पावर तो यूनिट फॉर इलेक्ट्रिकल पावर क्या है वो है वॉट डब्ल्यू ए डबल टी वॉट जिसको हम कैपिटल डब्ल्यू से डिनोट करते हैं ये इलेक्ट्रिकल पावर का यूनिट है ठीक है देन यू हैव हाउ कैन यू राइट द मैकेनिकल पावर इन अ मैनर सिमिलर टू द इलेक्ट्रिकल पावर हमने ऑलरेडी मैकेनिकल पावर नाइन सिलेंडर में कर लिख के रखा है उसको जान जानकर पावर क्या होता है पावर होता है वर्क अपॉन टाइम डब्लू अपॉन टी दैट इज इट ये है मैकेनिकल पावर ठीक है ऑल राइट नाउ विल गो टू फ्यू इलेक्ट्रिकल बराबर जो कुछ रजिस्टर्स हैं जो अलग अलग टाइप के उसके बारे में थोड़ा हम जान लेते हैं